हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आरबीडी फूड एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होगी। तो आज मैंने बनाया है ढेकिया हाक की सब्जी। तो सबसे पहले मैं ढेकिया को साफ कर लेती हूँ। मैं यहाँ से ऐसे थोड़ा ऐसे करके मैं साफ कर लूंगी। बहुत ही सिंपल तरीका से बनाऊंगी मैं। एक बार कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। इसे करके मैं साफ कर लेती हूँ। अभी ये मेरा हो गया। अभी मैं उसको अच्छी तरह धो लूंगी, अच्छी तरह पूरा धोकर साफ कर लूंगी। मैंने साग को अच्छी तरह पूरा धो लिया, पूरा साफ कर लिया था, पूरा अच्छी तरह साफ कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्याज लूंगी और सार में ग्रीन चिली लूंगी और 10-11 में लहसुन लूंगी। मैंने प्याज को काट लूंगी, प्याज को काट दिया और ग्रीन चिली को इसे थोड़ा सा इसे कर दूंगी। और मैं गार्लिक को छोटे छोटे करके थोड़ा सा काट लूंगी। लहसुन को छोटे छोटे करके काट लिए। अभी मैं गैस को ऑन करूंगी और एक पैन को मैं उसमें रख, पैन गर्म हो गई। अभी मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। और ऑयल को मैं गर्म होने के लिए रखूंगी। हो गया, मैं उसमें 1/2 टीस्पून मिर्ची दूंगी और मिर्ची को थोड़ा सा मैं फ्राई होने के लिए रख दूंगी। अभी मिर्ची थोड़ा गर्म हो गया, अभी मैं उसमें प्याज डालूंगी। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। एकदम सिंपल रेसिपी है, अच्छा लगता है। इस साग को आप लोग क्या बोलते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अभी मैं उसमें लहसुन को डाल दूंगी और ग्रीन चिली को मैं डाल दूंगी। अभी ये मेरा हो गया। अभी मैं उसमें साग को इसमें डाल दूंगी। उसको मैं हाई फ्लेम में थोड़ा फ्राई करूंगी पहले। अभी उसमें हल्दी डालूंगी और अनुसार नमक डालूंगी।
नमक थोड़ा कम डालना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा कम हो जाता है साग को, इसलिए इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अभी मैं इसमें ढक्कन लगाकर इसको अभी मैं इसमें एक अंडा डाल दूंगी। अभी ये मेरा हो गया, अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। अभी मैं उसको सर्व करूंगी। आपको ये रेसिपी कैसा लगा एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।